हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज भी हम बात करेंगे केवीएस जेएसए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या इसका सेफ स्कोर रहेगा, कितने नंबर वाले टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। तो फुल एनालिसिस लेके आ चुका हूं, वीडियो कंप्लीट देखना और साथ में बताएंगे आपकी आंसर की कब तक देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपकी टोटल 702 वैकेंसीज है, जिसमें अगर हम बात करें आपकी टाइपिंग टेस्ट में रिक्वायरमेंट मांगी गई। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग मांगी गई, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई आपकी। तो इस फुल क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें, यूआर में 286 वैकेंसी, ओबीसी 189। जितनी ज्यादा वैकेंसी रहेगी उतना रहेगा चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए कम कट ऑफ में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम लेवल क्या था बच्चों का। देखो एग्जाम लेवल की बात करूं, जो मैथ्स था वो काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिला। बच्चे बोल रहे हैं सर सीजीएल के लेवल का मैथ्स देखने को मिला है, 1 तारीख की शिफ्ट का, 2 तारीख की शिफ्ट का और 3 तारीख की शिफ्ट का। मतलब मैथ्स जो है वो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में ही हार्ड या कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव टाइप का देखने को मिल ही रहा है मैथ्स में, ठीक है। जीके का पोर्शन हमें हार्ड था। पेपर लेवल की बात करो, पेपर का लेवल जो तो मॉडरेट टू टफ लेवल में पेपर जो है बनाया गया है। मतलब इतना भी आसान नहीं था और इतना भी ज्यादा टफ नहीं था। एक पेपर मॉडरेट लेवल का हम कह सकते, कुछ चीजों का मतलब छोड़ दे तो। अगर बच्चों एक कमेंट पे दे रहे हो पेपर हार्ड आया है, बच्चे बोल रहे हैं और देख सकते हैं। हाँ, मैथ को बिल्कुल सीजे लेवल का आया था, 1 मार्च का देख सकते हैं। 2 मार्च का एग्जाम या आई थिंक एग्जाम दूसरे एजेंसी करा रही है, ठीक है। तो मतलब बच्चों का अलग अलग कमेंट है। मैथ्स बहुत ज्यादा हर शीट में कहने के मैथ्स हमें हार्ड देखने को मिला है ये चीज। हम बात करते हैं अगर एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर हमने पोल करवाया था सब्जेक्ट वाइज कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको जानने से आपको पता लग रहा है कि भाई कट ऑफ में कितना ज्यादा वेरी कर सकता है, कौन से बच्चों कितने सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो देखो जनरल इंग्लिश की बात करें, जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 20 नंबर की इसमें बात करूं यहाँ पे मार्क्स है बच्चों के 12 से 13 नंबर यहाँ पे बच्चों के आ सकते हैं। जनरल हिंदी की बात करूं, इसमें बच्चे के यहाँ पे 14 से लेकर 16 के बीच बच्चों के मार्क्स यहाँ पे हिंदी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे जीके की बात करूं, जीके का जो पेपर था बहुत ही ज्यादा टफ देखने को मिला था। यहाँ पे बच्चों के मान चले कि 5 से 7 क्वेश्चन ही सही हो पाए, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं, रीजनिंग एबिलिटी में भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे, 12 से लेकर 13 क्वेश्चन बच्चों की इजिली सही हो सकते हैं रीजनिंग में भी। कंप्यूटर लिटरेसी अगर बात करें, कंप्यूटर लिटरेसी में भी यही है कि 10 से लेकर 12 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड हार्ड देखने को मिला, लेकिन बच्चों ने तुक्का फिर भी मारा है यहाँ पे। फिर भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं बच्चों के यहाँ पे 10 से लेकर 12 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो अधिकतर बच्चों के मार्क्स आ रहे कहीं ना कहीं 120 में से। कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे 110 मार्क्स आ रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं हमारे 105 मार्क्स आएंगे, कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे 100 मार्क्स आएंगे। तो क्या है क्राइटेरिया है भाई, कितने मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर हम पिछले साल के अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, देखो पिछले साल का जो कट ऑफ है, पिछले साल इसका नाम था LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क था। तो इसमें यूआर का 88 का कट ऑफ देखने को मिलता आउट ऑफ 100 में से। अगर आप इसको ऐसे करेंगे भाई, ये आउट ऑफ 100 में से हमें निकालना है 120 में से, तो 88 भाग 100 इंटू 120 निकालेंगे तो आपका जो कट ऑफ आएगा 105 आएगा। टेक्निकली 105 नंबर लाओगे तब जाके सेफ रहेगा, ठीक है। 86 ओबीसी, एससी में 84, एसटी में 81, ओएच का इतना देखने को मिला। तो मतलब ये पिछले साल का कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको रिलाई कर रहा है कि 100 में से इतना कट ऑफ देखने को मिला एलडीसी वाले। जिस हिसाब से बच्चों कॉम्पिटिशन एलडीसी के प्रति है, उस हिसाब से मैं अगर कट ऑफ बताऊं इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, जिस हिसाब से आपकी पेपर हार्ड लेवल देखने को मिला है। तो यूआर का कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 95 से 102 के अराउंड यूआर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एससी की अगर बात करूं, एससी का 85 प्लस कहीं ना कहीं रह सकता है, प्लस माइनस आप 5 या 2 यहाँ पे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। देखो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर जिनके मार्क्स 110 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं। आंसर की आने के बाद उन बच्चों के जो मार्क्स है कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो है कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के एटलीस्ट इतने मार्क्स आ रहे हैं 95 या 92 जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको बिल्कुल आगे की प्रिपरेशन यहाँ पे जरूर करनी चाहिए। जिस हिसाब से पेपर का लेवल आगे देखने को मिला, नॉमिनेशन आपका होने वाला है तो नॉमिनेशन में डिपेंड करें कितना नॉमिनेशन आपका होगा। ओबीसी में 90, एसटी का 78, एस 84, ईडब्ल्यू का 92 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ देखने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके आंसर की कब आएगी, कब तक आपके आंसर की देखने को मिल जाए। देखो आपका आज 4 तारीख हो चुका है, 5 तारीख को इसका लास्ट एग्जाम है, ठीक है। लास्ट शीट का 5 तारीख को लास्ट एग्जाम है। तो ये मान चलिए अभी आपकी जो है पीजीटी की भी आंसर की नहीं आई है और ना ही अभी पीआरटी की आंसर की आई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों की पहले आंसर की आएगी। जितना पॉसिबिलिटी की इन दोनों की आंसर की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी की होली के बाद देखने को मिल जाएगा। उसका अगर जेएसए का आंसर की बात करें तो कम से कम ये मान चलिए कि 15 या 16 मार्च कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी की आपका जो आंसर की देखने को मिले। एटलीस्ट 10 दिन का समय मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन के बाद ही आपकी आंसर की जो है पब्लिश की जाएगी केंद्रीय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी।